लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सारे डिसाइबल्स का रैंक अनाउंस होना शुरू हो गया था और अब अनाउंसमेंट होते होते रैंक 36 पे आ जाता है, जिसमें इस बार 36 रैंक पर तेंग नहीं बल्कि कोई और लड़का था, जिसकी वजह से अब सारे लोग तेंग को ही देखने लगते हैं। और इधर तेंग भी 36 रैंक पे किसी और का नाम सुन के बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है, जिस पर सेंग तेंग के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से इस बार तुमने बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव किया है, इसीलिए मेरे ख्याल से तुम्हारा रैंक और भी ज्यादा नीचे चला गया है। और अब सेंग की इतना कहते ही वहाँ पर फिर से अनाउंसमेंट होती है कि रैंक 32 तेंग तेंग ऑर्थोडॉक्स एकेडमी से। और अब ये सुनते पहले तो तेंग शॉक होता है और फिर वो अपने पोज में खड़ा हो जाता है, जिस पर सेंग उसे कांग्रेचुलेशन कहते हुए कहता है कि अब मेरे ख्याल से लोग तुम्हें तेंग 32 बुलाएंगे, जिस पर तेंग भी सबके सामने कहता है कि सारे लोग ध्यान से सुनो, आज से मेरा नाम तेंग 32 है। और अब इसी तरह से रैंक अनाउंस होते होते सीधे टॉप 10 पे पहुंच जाता है, जहां पर 6 से लेकर 10 तक गु और उसके भाई बहन थे और 3 से लेकर 5 तक और भी अलग अलग एकेडमी के डिसाइपल थे, जिसे सुनने के बाद तेंग काफी ज्यादा परेशान होते हुए कहता है कि अब तो बस 2 ही रैंक बचे हैं, लेकिन अभी तक ना तुम्हारा नाम आया और ना ही लुओ का। लेकिन तभी अनाउंसमेंट होती है कि सियान क्लाउड के सेकंड प्लेस को इस बार सबसे यंग डिसाइपल ने अपने नाम किया है और उस डिसाइपल का नाम है लुओ हैंग, जो कि ऑर्थोडॉक्स एकेडमी से है। और अभी सुनते ही पहले सेंग और उसके बाद बाकी के डिसाइपल बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि लुओ ने महज 12 साल की उम्र में इतनी बड़ी अचीवमेंट अपने नाम हासिल कर ली है, जिस पर एलर जिन भी बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं कि फाइनली प्रिंसेस ने कर दिखाया। और अब सेंग इस अनाउंसमेंट को सुनने के बाद अपने आप के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्राउड फील कर रहा था, क्योंकि उसके डिसाइपल ने ऑर्थोडॉक्स एकेडमी का नाम बहुत ही ऊंचे दर्जे पे पहुंचा दिया था। और अब फर्स्ट रैंक पे मिस जुई रोंग का नाम आता है, जिससे किसी को भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मिस जुई रोंग ही 3 सालों से नंबर 1 रैंक पे बनी हुई है। और अब एलर जिन कहते हैं कि चलो अब ये खत्म हुआ, जिस पर सेंग और जूनियन भी वहां से जाने लगते हैं। लेकिन तभी पीछे से कुछ डिसाइपल आपस में बात करते हुए कहते हैं कि मेरे ख्याल से प्रिंसेस लुओ एम्प्रेस की बेटी है, इसीलिए उसे दूसरा रैंक मिल गया, जिसे सुनने के बाद तेंग को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो उन डिसाइपल्स को एक और गाली देने ही वाला होता है। लेकिन तभी पीछे से सेंग और जूनियन तेंग को पकड़ लेते हैं और उसे अपने साथ वहां से ले जाने लगते हैं। लेकिन जाते जाते भी तेंग इन डिसाइपल्स को बैंगन का पकौड़ा कह देता है, जिसे सुनने के बाद ये डिसाइपल्स बस एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। और अब उन लोगों के जाने के बाद वहां पर एल्डर ली आ जाते हैं, जो इन डिसाइपल्स से कहते हैं कि भले ही चेंग सेंग इस लिस्ट में नहीं था, लेकिन वो उन लोगों से कई गुना ज्यादा पावरफुल है, जिनका नाम अभी इस रैंक में अनाउंस हुआ। और चेंग सेंग ने जानबूझकर अपना नाम इस लिस्ट में नहीं डाला था, क्योंकि वो ग्रैंड एग्जामिनेशन के टॉप 1 रैंक पे आना चाहता है। और अब इतना सुनते ही सारे लड़के और लड़कियों का मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि एल्डर ली किसी बात को ऐसे ही नहीं कहते हैं। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ये लोग ली पैलेस से बाहर आ जाते हैं, जहां पर तेंग कुछ सोच सोच के अपने आप ही हंसने लगता है, जिस पर सेंग पूछता है कि क्या मैं इस हंसी की वजह जान सकता हूँ। तब तेंग कहता है कि मेरे गाली देने के बाद वो लड़की किस तरह से रोके भागी थी, और इसके अलावा मैंने आते आते उन्हें बैगन का पकौड़ा भी कह दिया, जिस पर सेंग जूनियन से कहता है कि इसे चुप कराओ। तब जूनियन सीधे तेंग को उठा के वहां से दौड़ने लगता है और फिर वो भी तेंग के साथ बहुत ही जोर जोर से हंसने लगता है, जिसे देखकर अब सेंग भी हंसते हुए इन दोनों के पास जाता है और फिर हंसते हुए ये तीनों इस मूवमेंट को बहुत ही ज्यादा इंजॉय करते हैं। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये तीनों नदी के किनारे लेट के आज के दिन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पर जूनियन कहता है कि आज का दिन मेरी लाइफ का सबसे खुशी का दिन है। अब तेंग कहता है कि हाँ मैं भी बिल्कुल वैसा ही फील कर रहा हूँ। और अब सेंग कहता है कि चूंकि अब ऑर्थोडॉक्स एकेडमी सबकी नजरों में आ चुकी है, इसीलिए अब सारे लोग हमें ग्रैंड एग्जामिनेशन में टारगेट करेंगे, तो अब तुम लोगों को इन बातों को ध्यान में रखकर अपने प्रैक्टिस को और भी ज्यादा हार्ड करना होगा। जिस पर तेंग थोड़ा गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम्हारे पास इतना शार्प माइंड है, लेकिन फिर भी तुम हमेशा अपने आप को एक मामूली पर्सन की तरह ही ट्रीट करते हो। जिस पर जूनियन भी कहता है कि मास्टर अगर आपने कम से कम बेसिक ट्रेनिंग को भी पूरा नहीं किया तो फिर हमारे ग्रैंड एग्जामिनेशन में जीतने के चांस जीरो हो जाएंगे। तब सेंग आसमान की ओर देखते हुए कहता है कि आखिर कोई तो रास्ता होगा जिससे मैं अपने लाइफ स्टाइल की पावर को मर्ज कर सकूं। तब तेंग पूछता है कि क्या तुम कुछ बोल रहे हो, लेकिन तभी सेंग को आसमान पर एक चमकीला स्टार दिखाई पड़ता है, जिसे देखकर सेंग को अपनी कल्टीवेशन इम्प्रूव करने का एक आइडिया आता है। और फिर सेंग उठते हुए कहता है कि मुझे अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने का एक तरीका मिल गया है, लेकिन ये सही है या नहीं ये मुझे एक पर्सन से पूछना होगा। जिस पर तेंग कहता है कि तुम्हें जो कुछ भी पूछना है वो तुम मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि मेरे पास भी नॉलेज का भंडार है। तब सेंग बिना कुछ कहे वहाँ से उठ के जाने लगता है, जिस पर तेंग पूछता है कि अब तुम कहाँ जा रहे हो। तब सेंग कहता है कि हर्ब गार्डन, जिसे सुनने के बाद तेंग कहता है कि ये जरूर कल सुबह फिर से मेडिसिन बनाएगा। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सेंग हर्ब गार्डन में हर्ब्स को इकट्ठा कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर डिवाइन ब्लैक गॉड आ जाता है, जिसे देखकर सेंग उस गॉड के पास जाता है, जिसके बाद ये गॉड सेंग को इशारा करते हुए अपने पीछे चलने के लिए कहता है। तब सेंग भी इस गॉड के पीछे पीछे जाने लगता है और अब चलते चलते ये गॉड सेंग को एक दूसरी जगह पे ले आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एम्प्रेस फिर से अपना भेष बदल के सेंग से मिलने आई थी। और अब एम्प्रेस इस गॉड को यहाँ से जाने के लिए कहती है, जिसके बाद सेंग एम्प्रेस के पास आके उन्हें ग्रीट करता है और फिर उनसे कहता है कि मैं आपको ही ढूंढ रहा था, क्योंकि चूंकि आप इंपीरियल पैलेस से हैं, इसीलिए मेरे ख्याल से आप मुझे सही सजेशन दे सकती हैं। जिस पर एम्प्रेस सेंग की ग्रीट को एक्सेप्ट करते हुए चाय के कप को आगे कर देती है। तब सेंग
रैंग एम्प्रेस के कप में चाय डालता है और फिर उस कप को एम्प्रेस को दे देता है, जिस पर एम्प्रेस अब चाय पीते हुए सेंग को अपनी बात कहने का इशारा करती है। तब सेंग कहता है कि मैं किसी चीज के लिए ब्लैक लेक ड्रैगन के पास वापस जाना चाहता हूँ, लेकिन अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं आखिर वहाँ तक कैसे पहुँचूँ, क्योंकि वो लेक इम्पीरियल पैलेस के अंदर है और कोई भी मामूली पर्सन बिना किसी ऑर्डर के इम्पीरियल पैलेस के अंदर नहीं जा सकता, तो इसीलिए क्या इस मामले में आप मेरी कोई हेल्प कर सकती है। जिस पर एम्प्रेस सेंग की बातों को बहुत ही ध्यान से सुनने के बाद इशारों से कहती है कि मैं तुम्हें अपने साथ लेके जा सकती हूँ, जिस पर सेंग एम्प्रेस को मना करते हुए कहता है कि नहीं, हम लोग ऐसे खुलम खुला नहीं जा सकते, क्योंकि मैंने सुना है कि ब्लैक ड्रैगन लेक के पास केवल एम्प्रेस और उसके कुछ निजी लोग ही जा सकते हैं, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि आप मेरी वजह से इसमें फंस जाओ। तब सेंग की बातों को सुनकर एम्प्रेस हंसने लगती है और फिर वो खड़ी होकर चाय से टेबल पर कुछ लिख देती है और लिखने के बाद वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद सेंग ये देखने लगता है कि आखिरकार इस लेडी ने यहाँ पर क्या लिखा है, और ध्यान से देखने पर ये पता चलता है कि एम्प्रेस ने इस टेबल पर बीजिंग ब्रिज लिखा था। और अब सीन चेंज होता है और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सेंग मार्केट से होते हुए बीजिंग ब्रिज की तरफ जा रहा था, और अब थोड़ी देर चलने के बाद सेंग फाइनली बीजिंग ब्रिज पर पहुँच जाता है, जिसे देखकर अब सेंग अपने मन में सोचता है कि क्या यहाँ से ब्लैक ड्रैगन लेक के पास पहुँचने का कोई सीक्रेट रास्ता है, लेकिन यहाँ पर तो मुझे कोई भी ब्रिज दिखाई नहीं दे रहा। और अब तभी उस जगह पे दो लोग और आ जाते हैं और फिर इनमें से एक आदमी कहता है कि यहाँ पर ना तो कोई ब्रिज है और ना ही कोई रास्ता, तो फिर यहाँ पर बीजिंग ब्रिज क्यों लिखा हुआ है, जिस पर इसके बगल वाला आदमी कहता है कि तुम यहाँ पर नहीं हो, इसीलिए तुम्हारा ये क्वेश्चन बिल्कुल लेजिट है। दरअसल लेजेंड्स का कहना है कि आज से कई हजार साल पहले इस कैपिटल पर एक ब्लैक ड्रैगन का आतंक था जो बेवजह लोगों को मारा करता था, लेकिन फिर वांगजी ची ने अपने पावर और बुद्धि से उस ड्रैगन को यहीं पर कहीं धरती के नीचे कैद कर दिया। और लेजेंड्स तो ये भी कहते हैं कि इसी जगह के नीचे वांगजी ची का पैलेस भी हुआ करता था, जहाँ पर कई सारे ब्रिज और लेक भी हुआ करते थे, लेकिन उस ब्लैक ड्रैगन के रोर से वो सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो गई। तब ये आदमी कहता है कि अब मैं समझा कि आखिर क्यों लोग इसे एक ब्रिज कहते हैं। और अब तभी वहाँ पर स्नोफॉल होना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर ये आदमी कहता है कि आज अचानक से ये मौसम कैसे चेंज हो गया। और फिर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। और अब इन लोगों के जाने के बाद सेंग अपने मन में कहता है कि अच्छा, तो वांगजी ची ने इस ड्रैगन को यहाँ पर लॉक किया था। और फिर वो इस ब्रिज पे बने होल के पास पहुँच जाता है, जिसके बाद सेंग इस होल में देखते हुए कहता है कि क्या इसीलिए उस लेडी ने मुझे इस ब्रिज का नाम बताया था। और ये कहकर सेंग सीधे इस होल में कूद जाता है, जिसके बाद वो थोड़ी देर में नीचे गिरते पड़ते पहुंच जाता है। और अब नीचे पहुंचने के बाद सेंग देखता है कि इतने ऊपर से कूदने के बावजूद भी उसे खरोंच तक नहीं आई है। और फिर सेंग अपने आसपास के एरिया को देखने लगता है, जहाँ पर चारों तरफ बस सुरंगे ही सुरंगे बनी हुई थी। और अब किसी एक रास्ते को पकड़कर सेंग आगे की ओर बढ़ने लगता है, जहाँ पर थोड़ी दूर चलने के बाद सेंग रुक जाता है, क्योंकि अब उसके सामने साक्षात ब्लैक ड्रैगन खड़ा था। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।